न्याय की गुहार लगाने एसएसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित तो पिता, फूट फूट कर रोया। दरअसल पिता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी विकलांग बेटी के साथ ससुर ने बलात्कार किया और जब बहू ने मायके जाने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसके खिलाफ एसएसपी कार्यालय पहुंचे पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ? तो दिव्यांग बहू के साथ दुष्कर्म किया है, फूट फूट कर रोते हुए पीड़ित पिता नजर आए हैं। एसएसपी ऑफिस में पीड़ित पिता ने मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता ने मदद की गुहार लगाई, मेरठ से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करे, कभी पिटे कभी मारे और मुझे लंगड़ी पंगड़ी जने क्या क्या कह रहे, जो भी जी में आवे वही कह दे, मारेंगे कभी पिटे कुछ भी करे। मतलब अब 4 तारीख में मेरे साथ बलात्कार करा, 4 अक्टूबर में हमने हैसियत से भी ज्यादा गाड़ी वाड़ी सब दिया, सोना चांदी सब वही है। और आज हम ये भी कहना आए कि गाड़ी का कभी भी मिस यूज कर ले, वह गाड़ी रेनू के पास रहनी चाहिए जब तक निर्णय ना हो। हाँ जी, कार दी थी, ऑल्टो थी जी, और सोना चांदी सभी मतलब अपने हिसाब से 15-20 लाख रुपए लगाए जी, और उसका नतीजा आज ये मिल रहा जी। आज हमारी लड़की जब इज्जत नहीं रही, आबरू नहीं रही, तो क्या रहेगा।